Hey guys, welcome back to another vlog. आज फाइनली इतने दिन के बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ. मैं हमेशा बहुत दिन के बाद व्लॉग करती हूँ. अभी हम जा रहे थे बाबा बालक नाथ. मैंने मतलब पहले व्लॉग स्टार्ट करना था, मतलब कर दिया था, बट मेरी जो वीडियो है वो बनी ही नहीं. तो फिर मैंने सोचा कि आगे जाके स्टार्ट करूँगी, वरना ऐसे ही लंबा सा व्लॉग बन जाएगा. हमारे साथ आ रहे हैं मेरे दीदी, मतलब मेरे ताई जी और भैया और दीदी. तो अभी हम उनका ही वेट कर रहे हैं. वो अपने मामू जी के घर आए थे, तो हम अभी उनके घर के बाहर है, वो भी आएंगे. मैं खा रही थी तब तक के लिए, मेरा काफ़ी पेट दर्द हो रहा था तो मैं सो गई थी. तो चलो गाइस, मिलता जब दीदी और भैया आएंगे. तो गाइस आ गए इतनी देर के बाद आए हैं, और कोइंसिडेंसली मम्मी और बड़ी मम्मी के कपड़े एकदम मैच हो गए. ऊना तक हमारे साथ नहीं आएंगे, तब तक हम लोग गाड़ी में आएंगे, फिर वो ऊना हमारे साथ बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद हम साथ में जाएंगे. तो गाइस अभी आ गया दीदी और भैया, हमारे साथ बैठेंगे, वो बाहर है. गोरे दीदी, गोरे भैया. भी हम यहाँ पे रुके हुए हैं. Later. ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था. अभी हम ना चाय पीने के लिए रुके हैं रास्ते में, और मेरा चश्मा आपको मिसिंग लग रहा होगा, सिर पर लगा हुआ. मेरा सर दुख रहा था, इसको देखो लगी हुई अपनी शक्ल ताड़ने. यहाँ पे हम चाय पीने के लिए रुके हैं, जब हम चल लेंगे तो आपको दिखाऊंगी. बड़ा अच्छा व्यू है ये देखो. यहाँ पे ना मंदिर भी है बड़ा अच्छा. यहाँ पे अंदर झूले भी थे, हम झूले भी झूल के आए, और यहाँ पे अभी चाय वगैरह पी रहे हैं. ये रोड है, पहाड़ियाँ भी है, कितनी अच्छी पहाड़ियाँ हैं ना. मैं सोच रही थी कि मैं अपना चश्मा ले ही लेती हूँ गाड़ी में से, ऐसे अजीब सा ही लग रहा है. पकड़ना. क्या बात है? गाइस हम फ्री हो गए और हम अब जा रहे हैं अनाज. ये था यहाँ का मंदिर, वो आ गई दीदी पीछे. हरिदा बोल सके दरबार की जय 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 जय. पहुँच गए हैं यहाँ पे, मतलब अभी बाबा बालकनाथ भी गया, शाद लाई आए हैं, और हम बड़ी मम्मी और बड़े बाबू का वेट कर रहे हैं. वो पीछे आ रहे हैं, थोड़ा पीछे रह गए हैं वो, क्योंकि वो स्कूटी पे अलग से आ रहे थे. अभी मम्मी पापा बाहर निकल गया, मैं अभी बाहर जाती हूँ आपको, बस मैंने रिमाइंड करना था. Let me get out of here.
गाइस हमने ना शात लाइन में माथा टेक लिया और लिटरली बता रही हूँ अंदर जो अच्छी वाइब आती है ना पॉजिटिव वाली, मतलब एकदम पॉजिटिव वाइब आती है, मन ही नहीं करता कि हम बाहर निकल जाए वहाँ से। और यहाँ पे ना शॉप्स भी बड़ी प्यारी सी लग रही है। और हाँ, मैं अंदर की बात कर रही थी, अंदर आरती भी हो रही थी, मैंने रिकॉर्ड किया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यार, आत्मा को इतनी ज़्यादा शांति मिलती है ना, मन तो कहते हैं वहीं रह जाए। हाँ, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, आई थिंक मैं इसका पार्ट टू कर दूँगी, तो ज़्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं करनी है मैंने। तो मिलते हैं थोड़ी देर भी रास्ते में, हम मंदिर रुके, यहाँ पे भी हम हमेशा आते हैं जब भी आते हैं माथा टेकने। तो ये है गरुणा झाड़ी, यहाँ पे जब बाबा बालकनाथ जी थे वो यहाँ दिखने ना, जब बाबा बालकनाथ जी थे ना वो यहाँ पे तपस्या करने आते थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो मतलब वो ना जो उनके पास गाय भैंस वगैरह थे ना वो उनको ना चरने के लिए छोड़ देते थे जंगलों में और खुद यहाँ पे तपस्या करते थे, फिर उतनी देर वो चर लेती थी और उनके पास वापस आ जाती थी। मतलब कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं ना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये काफ़ी बड़ा पेड़ था और ना काफ़ी सूख भी गया है, ये था वो। अभी अंदर हम माथा टेकने जाएंगे यहाँ पे। इसमें फ्लैश नहीं चल रहा। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं ऊपर बाबा बालकनाथ जी, हम पहुंच गए यहाँ पे, हमने गाड़ी पार्क किया जस्ट पीछे। यहाँ पे यार लाइट भी नहीं और मेरी फ्लैश भी नहीं चल रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी हूँ, यहाँ पे व्यू बड़ा मस्त आता है सुबह सुबह, रात को तो कुछ दिखेगा ही नहीं, देखो मतलब बहुत ही अंधेरा और इतनी गहरी खाई है। उधर जाएंगे हम ऊपर, कितना प्यारा लग रहा है यार। फोरे हमारी कड़ी, फोरे मम्मी पापा, यार बहुत सुंदर लग रहा है, मन कर रहा है यहाँ से खड़ी खड़ी देखती रहूँ। ओके, तो गाइस हम इतना ज़्यादा चल के आए थे नीचे से, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एट द एंड मम्मी पापा ने कहा कि हम सुबह माथा टेकेंगे, तो अभी रूम वगैरह लेके खाना वगैरह खा के हम सो जाएंगे। अभी रूम ढूँढ रहे हैं ये, तो मैं सीधा आपको रूम दिखाऊँगी, वहाँ पर मिलेंगे, देख लो हमारी क्या शक्लें बन चुकी हैं।